नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। भारत की तस्वीर अब बदलने जा रही है। जी हां, इस बात के दावे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साझा की गई है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आ रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर यूपी में है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात हुई, चर्चा हुई और कई सारे मुद्दे पर बातचीत भी हुई। जहां एक तरफ यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये बेहद ही जो खूबसूरत तस्वीर है वो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से साझा की गई है। इस तस्वीर के कई सारे मायने सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकाले जा रहे हैं क्योंकि इस तस्वीर के साथ एक खूबसूरत कविता भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने साझा किया है। बता दें कि इस कविता में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है। तो ये बेहद ही खूबसूरत पंक्तियों के साथ ये तस्वीर इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सामने आई है, जिसमें एक अलग अंदाज में दोनों नजर आ रहे हैं। बता दें कि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी पूरी तरह से गेम सेट कर चुकी है कि किस तरह से इस बार यूपी में जीत हासिल करना, और यही वजह है कि जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ अब नए भारत के निर्माण की बात कही जा रही है। और इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों के साथ ये जो पंक्ति है वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी है। बता दें कि भले ही विपक्ष की तरफ से तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हो, यूपी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए भले ही कई तरह की रणनीति विपक्ष की तरफ से बनाई जा रही हो, लेकिन इस सबके बीच जिस तरह से ये खूबसूरत तस्वीर निकल कर सामने आई है, इस तस्वीर से ही कई सारे जो राजनीतिक मायने हैं वो दिखाई दे रहे हैं। खासकर ये जो पंक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखी है, इसके भी कई सारे राजनीतिक मायने हैं, और यही वजह है कि ये तस्वीर लेकर इस वक्त हम आपके सामने आए हैं। आप पहले इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नजर आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, कई सारे मुद्दे पर चर्चाएं की गई और घंटों इन दोनों के बीच बातचीत हुई है कि किस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करना है। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूपी दौरे पर जाते रहते हैं। इसी कड़ी में इस 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी पहुंचे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के से मुलाकात के बाद ये जो खूबसूरत तस्वीर है वो इस वक्त निकल कर सामने आई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56वें DGP IGP सम्मेलन में भाग लेने के लिए 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा की है, जिसमें पीएम मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर टहलते नजर आए। इस दौरान दोनों नेता गंभीर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर साझा करते हुए एक कविता के माध्यम से अपने विचार को भी व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से नए भारत को बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है और इसी पर काम करने की जो कोशिश है उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसे में ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर इस वक्त निकल कर सामने आई है और तस्वीरें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा की है, जिसमें ये अलग अंदाज से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस तस्वीर के क्या कुछ राजनीतिक मायने होते हैं, किस तरह से यूपी विधानसभा चुनाव में रणनीति बीजेपी की तरफ से बनाई जाती है, ये अगले साल चुनाव के रिजल्ट में देखने को मिलेगा। लेकिन इस सबके बीच इस वक्त ये खूबसूरत तस्वीर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी की सामने आई है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।